5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 का हम सॉल्यूशन वीडियो कर रहे हैं। लेट मी चेक वेदर द कैमरा इज इन द करेक्ट पोजिशन और नॉट। चलिए, कहता द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट। आपको एक ऐसे मैट्रिक्स के बारे में बताना है जिसमें कितने एलिमेंट हो, 7 एलिमेंट। तो बाबू ध्यान से समझिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो वो या तो 1/7 का मैट्रिक्स होगा या तो 7/1 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो टोटल मैट्राइसिस कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। कहता है द नंबर ऑफ मैट्राइसिस हैविंग 6 एलिमेंट। चलो 6 एलिमेंट वाले को भी देख लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो कितने तरह के मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, एक 1/6 का होगा, ठीक है, एक ही रो और 6 कॉलम, ठीक है, एक 6/1 का होगा, एक ही कॉलम और 6 रो, ठीक है, फिर 2/3 का मैट्रिक्स हो सकता है, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है, या 3/2 का मैट्रिक्स हो सकता है, 3 रो और 2 कॉलम। कितने मैट्राइसेज हो गए, 1, 2, 3 और 1, 4। तो हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 4। समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कहता है व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो किसी को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट कर रहे हैं, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, किताब लेके बैठो, ये क्वेश्चन मेरे दिखने के लिए कि तुम्हारे दिखने के लिए है, हम ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिखे हैं। आप अपने बुक में देखिए, आपके पास बुक होना चाहिए जो कैसे सिन्हा है, ठीक है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कैसे सिन्हा से कीजिए, अगर आपके पास कैसे सिन्हा है तो आप इस सोल्यूशन के लिए आए होंगे, है कि नहीं। आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, बेसिक बोर्ड लेवल का मैं बता रहा हूँ, आर डी शर्मा से कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छा करना है तो कैसे सिन्हा का जो सेपरेट पार्ट आता है, कैलकुलस अलग, अलजबरा अलग, ट्रिगोनोमेट्री अलग, वो वाले से सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। बाबू क्या कहता है, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेज कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेज। तो देखिए 5 एलिमेंट अगर है तो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, तो एक तो 1/5 और 1/5, 2 ऑर्डर जो कि क्या है, 1/5 और 5/1 है। चलो पहला का तो काम हो गया। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे और प्राइम नंबर हो तो दो ही मैट्राइसेज बनेंगे, एक 8×1 और 1×1। अगर 5 है तो 1×5 और 5×1, यहां 13 है तो 1×13 एंड 13×1, बाकी तो देखा जाएगा। दूसरा 8 एलिमेंट है तो 1×8, ठीक है, 8×1, 2×4 और 4/2, ठीक है। तीसरा 24, 1×24, 24×1, 2×12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4, बस हो गया, ठीक है, 3/8, 8/3 लिख दिए। चलो चौथा कहता है 13 कहता है, मतलब 1/13 और 13/1, ठीक है। 18 पांचवा,
तो 1/18 कॉमा देते जाते हैं ना बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3, और कुछ होगा जी? नहीं, सब हो गया। तो ये था आपका दूसरा नंबर सवाल, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। कहता है कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बाकी जान नहीं है। हमको कहता है 2/3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें ए कंस्ट्रक्ट करना है, कितने का? 2/3। 2/3 मैट्रिक्स को हम लिख लें A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये कितना हो गया? दो रो और तीन कॉलम का मैट्रिक्स। कहता है किसका जो एलिमेंट है ना Aij, ये क्या देता है? i+2j। ये क्या देता है? i+2j। स्टूडेंट एक चीज ध्यान से समझिएगा, i+2j कहने का मतलब है कि i क्या है? i बताता है ith रो, और j क्या बताता है? j मतलब i कैमा कॉलम और कैमा रो, ये बताता है। ध्यान से समझिएगा, हमको a11 निकालना है। क्या निकालना है? a11। तो a11 के लिए i क्या हो गया? 1, और j क्या हो गया? 1, ठीक है। तो a11 के लिए क्या होगा? 1+2×1, 3। a11 आपका मिल गया 3, ठीक है। a12 में i क्या हो गया? 1, और j क्या हो गया? 2। तो आपका a12 उस हिसाब से क्या होगा? i+2j। ये वाला चीज को ध्यान में रखिएगा, i+2j। तो i के जगह पे हम 1 पुट करेंगे और j के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2, 2, 4, 1, 5, a12 हो गया। a13 की बात कर लें, a13 में i हो गया आपका 1, और j क्या हो गया? 3, ठीक है। बहुत आसान है, हमें करना क्या है कि इसके i और j, देखो सबसे पहला चीज तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे ये जान लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को Aij से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां i किस नंबर में, किस नंबर के रो में आ रहा है, और j किस नंबर के कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, A13 कहने का मतलब है कि A13, 1 इज द नंबर ऑफ रो, कि ये पहला रो और 3 मतलब तीसरा कॉलम में आ रहा है। तो A13 क्या होगा? आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है वह i+2j, तो i1 और +2j कितना? 3, 2, 3, 6 और 1, 7। A21 अब मतलब i क्या हो गया? 2, और j क्या हो गया? 1। तो A21 इक्वेशन क्या था? i+2j, i के जगह पे 2 पुट कीजिए और j के जगह पे 1 पुट कीजिए, तो 2 और 2, 4। A22 क्या होगा? क्वेश्चन की जरूरत नहीं है अभी। A22 का जरूर मतलब क्या होगा? कि i जो है 2 और j भी वो क्या है? 2। तो A22 आपका इस हिसाब से क्या होना चाहिए? 2+2×2, तो ये क्या हो गया? 6। और A23 की बात कर लें, A23 की बात करें तो i आपका 2 हो गया और j आपका 3 हो गया। तो A23 इस हिसाब से क्या होगा? आपका जो इक्वेशन है i के जगह पे 2 और j के जगह पे भी 2, 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। नहीं, j 3 है, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, A11 3, A12 A11 3, A12 2, A13 5, A13
नहीं, ये तो A12 था ना, ये गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, A125, A137, A214, A226, A238। ठीक है, अब जहां जहां आपका एलिमेंट है, A11 कितना 3, A12 कितना 5, A13 कितना 7, A21 कितना 4, A22 कितना 6, A23 8। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी में कहता है दूसरा नंबर। ठीक है, इसी में क्या कहता है, दूसरा नंबर i-3j। तो जहां पे i है वहां पे वो वाला नंबर, और जहां पे जे है उसका पर्टिकुलर नंबर पुट करना है। आपने एक देख लिया, ठीक है, और इसको भी कर दें, एक 3x2 का मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, हम इक्वेशन को i-3j, चलो हम ले ही लेते हैं। ए आई जे क्या है, 1/2 i-3j। ठीक है, कहता है कि 3x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए। क्या कीजिए, 3x2 का मैट्रिक्स। तो चलो भैया, सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स 3x2 का कंस्ट्रक्ट कर ले, जिसमें 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। A11, A12, A21, A22, A23, A21, और नहीं जी, A2 कैसे, A दूसरा तीसरे रो में आ गया ना, 3-1 और A32। ठीक है, ए आ गया हमारा 3x2 का मैट्रिक्स। इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो इक्वेशन है हम यहां लिख लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर। इतना है मॉडुलस है, मॉडुलस एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। मॉडुलस क्या होता है, उसके अंदर जैसे ही आप किसी निगेटिव नंबर को डालते हैं वो पॉजिटिव करके दे देता है। मॉडुलस फंक्शन आप फंक्शन में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, A11 में I1 है और J भी 1 है, तो 1/2 1-3 × 1, मतलब 1/2 × mod 1-3 2, -2 बाहर आके क्या हो जाएगा 2, मतलब 1, 1 इज द A11। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, A12, I कितना 1, J कितना 2, तो 3 × 2, 6-1 क्या होगा, -6 + 1 5, बाहर आके प्लस, तो 5/2। A13 तो है ही नहीं, A21, तो 1/2 2-3 थ्री जे ना, 3 × 1, 1/2 × -1, मतलब +1/2। A22, 1/2 2-3 × 2, हम कर क्या रहे हैं, 2-1 है तो i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1, जहां जहां i है उस हिसाब से ये वाला जो पोजीशन है वो पुट करते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 1/2 2-6 -4, तो -4 mod से बाहर आके 2, कुछ इस तरह से हम करते जाएंगे। और A23 क्या होगा, 1/2 2-3 × 3, 3 × 3 = 9, मतलब 7/2। ठीक है, चलिए अब A32 है, चलिए अब करते हैं A23। स्टूडेंट माफ कीजिएगा, 3x2 कर रखा ही था, तो 2x2 वुड बी द लास्ट एलिमेंट इन द सेकेंड रो। 2x2 क्या होगा, सेकेंड रो में लास्ट होगा। अब हम चलते हैं, 2 2 हो गया तो 3 1, 1/2 ये वाला i3, j कितना
वन, तीन माइनस दो एक, तो ए थ्री वन कितना हो गया, एक बाई दो। ए थ्री टू कितना होगा, वन बाई टू, थ्री माइनस टू इंटू टू, फोर माइनस थ्री मतलब माइनस वन बाई टू, और से बाहर आके प्लस। ठीक है, ए वन वन, ए वन टू, ठीक है, ए टू टू, पता नहीं होगा कि नहीं, हाँ हो गया, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, नहीं थ्री वन बच गया, ए थ्री वन और ए थ्री टू। चलिए हम इस चीज को लिख लेते हैं, ए वन वन वन, ए वन टू फाइव बाई टू, ए टू वन वन बाई टू, ए टू टू टू, ए थ्री वन वन बाई टू, ए थ्री टू वन बाई टू, दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इसमें कोई जान नहीं है इस तरह के सवाल में। ये जो सवाल, नहीं नहीं पिछले पेज में था सवाल, ये जो सवाल है कोई जान नहीं है सवाल में, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, ऐसे तरह के जो भी सवाल होंगे स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप खुद से उसको कीजिए। चलिए आगे चले, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दिस वॉज थ्री एंड वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर फोर। ये उसी तरह का सवाल है, बहुत आसान है, तीन बाई तीन मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। ठीक है, अब ए आई जे क्या है, आई इंटू जे, तो ए वन वन क्या होगा बाबू, एक इंटू एक, एक, ए टू वन क्या, सॉरी पहले वन टू, रो वन को खत्म कर ले, तो एक इंटू दो, दो, ए वन थ्री क्या होगा, एक इंटू ती, तीन, तीन, ए टू वन, टू इंटू वन, टू, ए टू टू, टू इंटू टू, फोर, ए टू थ्री, टू इंटू थ्री, मतलब आई और जे का गुना है। देखो ये इक्वेशन कैसा भी रह सकता, बहुत आसान है ये। फिर ए थ्री वन, थ्री इंटू वन, थ्री, ए थ्री टू, थ्री इंटू टू, सिक्स, ए थ्री थ्री, थ्री इंटू थ्री, नाइन। बना दीजिए मैट्रिक्स, ए एक दो तीन, एक दो तीन, दो चार छ, तीन छ नौ, बस पहला हो गया, ये वाला पहला हो गया। दूसरा आई माइनस जे, वन माइनस वन जीरो है कि नहीं, वन माइनस टू माइनस वन, इस तरह से बना लेना है, बहुत आसान है, कोई जान नहीं है सब सवाल में। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये भी वैसा ही है, बहुत आसान है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बाई टू कर देना है। जैसे दो बाई दो का मैट्रिक्स है, तो हम एक मैट्रिक्स ए ले लेते। देखो आप कहेंगे कि सर क्या हर बार ए ही लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बी ले लीजिए स्टूडेंट, है कि नहीं। तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, हो गया दो बाई दो का मैट्रिक्स। कहता है ए आई जे जो दिया हुआ है, ए आई जे जो दिया हुआ है वो कितना है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई दो। तो ए वन वन कितना होगा, वन प्लस वन, आई के जगह पे भी वन पुट करेंगे, जे के जगह पे भी वन पुट करेंगे, स्क्वायर बाई दो, दो का स्क्वायर चार बाई दो, दो, ए वन टू, ए वन टू, तो वन प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू, तो नाइन बाई टू, ए
टू वन, टू प्लस वन का होल स्क्वायर बाय टू, तो ये फिर से नाइन बाई टू होगा, और ए टू टू, टू प्लस टू का होल स्क्वायर बाय टू, तो आठ, चार का स्क्वायर सोलह, सोलह बाई दो आठ। तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, बी मैट्रिक्स लिया है ना मैंने, ध्यान से समझिएगा, बी जो मैट्रिक्स हो गया पहला कितना है जी, ए वन वन टू, ए वन टू नाइन बाई टू, ए टू वन अगेन नाइन बाई टू, और ये क्या हो गया एट। राइट लेफ्ट दोनों सिस्टम है बाबू, तो क्या हो गया, ये हो गया, इसमें वन आई प्लस टू जे है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं तो पहले इस चक्कर में था ही नहीं, मूड में था ही नहीं इसका डालने का सोल्यूशन, ये क्योंकि जान ही नहीं है इस सवाल में, कोई जान नहीं है। चलिए कहाँ गया जी, एक और, ठीक है, ये भी वही है, तीन बाई चार करना है, ठीक है, उसी तरह से है। हाँ कहता है इन द मैट्रिक्स, लेट मी चेक द कैमरा वंस, हाँ बिल्कुल सही है, कहता है कि द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ये सब सवाल पूछेगा जी, अब सब सवाल में कोई जान है, क्या एगो रो है, एक रो है जी, कहे हो एक रो और दो रो, दो पुट कर दो, द नंबर ऑफ कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऑर्डर क्या है, दो बाई तीन है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं, तीन बाई दो, थ्री टू जा सिक्स, ऐसा ऐसा तो सवाल पूछता है। आठवां, ए इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाँ चलिए कुछ बढ़िया सवाल है लगता है, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, देखो ध्यान से, ये वाला एलिमेंट, ये जीरो, सॉरी इनको छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट स्केलर नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, इक्वल है, दो तीन माइनस वन ये इक्वल है, नहीं तो पहला सही है, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी गलत है, ये तो गलत हो गया, ये गलत है। ये क्या है, गलत है, कहता है ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स, ये भी गलत है, मतलब पहला सही है। कहता है इफ नॉमा, इफ ए इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज अ कॉलम मैट्रिक्स देन, हाँ ये तो बहुत आसान है, मैंने सबसे पहले बताया था कि रो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो रहे, एक बाई कॉलम जितना भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स क्या बताया था, एक ही कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है। कहता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो कि रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, कहने का मतलब स्टूडेंट कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स के लिए एक रो होने चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम होने चाहिए, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम और एक रो हो, कितना सिंपल है, वन बाय वन का मैट्रिक्स, ऑर्डर इज वन बाय वन, ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन बाय वन। दसवां, इसमें क्या है जी, ए इतना है, कहने का मतलब है कि ए के एलिमेंट को हम ए आई जी से रिप्रेजेंट करेंगे और बी के एलिमेंट को हम बी आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज थ्री बाई थ्री, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज थ्री बाई थ्री, ए टू थ्री, ए टू थ्री कहने का मतलब है ए टू थ्री एक ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में आए, एक ऐसा एलिमेंट जो सेकेंड रो और
थर्ड कॉलम में आए, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट हुआ? सिक्स पे। तो सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां और यहां इंटरसेक्शन हुआ तो सिक्स ही होगा ना, ए टू थ्री, तो ए टू थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ए थ्री वन तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ए थ्री वन नाइन होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, चार गो कॉलम है तीन गो रो है, तो तीन बाई चार। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, बारह होंगे, चरतियाई बारह, फोर थ्री जा ट्वेल्व, हो गया, खत्म हो गया, नहीं जी अगवाऊ है। राइट द एलिमेंट बी वन थ्री, बी वन थ्री कहना है जी पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम उन्नीस, बी टू वन दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम थर्टी फाइव, बी थ्री थ्री तीसरा रो और तीसरा कॉलम माइनस फाइव, बी टू फोर दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम ट्वेल्व, बी टू थ्री टू थ्री, ये जो भी है थ्री बाई टू फाइव बाई टू जो भी है, क्या है जी फाइव बाई टू है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। चलिए बहुत आसान था। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड पेन्स पसेस्ड बाई सुधा एंड हर टू फ्रेंड्स सईदा एंड सिरमन, सिरमन कौन नाम है जी, सिरमन नारायण, नारायण सिमरन होगा जी, ये ऐसा सी मरन सिमरन होगा, सिरमन लिख दिया है, नाम का कोई ठिकाना है उसमें हो भी सकता है। सईदा और सिरमन के पास, सईदा सुधा और सिरमन के पास क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक और पेंस है। देखो हम सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स में बना दें, पंद्रह छः दस दो तेरह, हो सकता है कि मैट्रिक्स में नहीं दिया हो, ऑलरेडी कह रहा है कि ये जो ये तीन बाई दो एक मैट्रिक्स देता है, ये क्या है तुम्हारे पास, तीन बाई दो का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। कहता है रिप्रेजेंट अबो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्री बाई टू मैट्रिक्स, व्हाट डज द एंट्री इन द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज दिस वन एंड द फर्स्ट कॉलम इज दिस वन, वो रिप्रेजेंट करता है कि सईदा के पास कै गो नोटबुक है, सईदा के पास दस गो नोटबुक है, यही तो रिप्रेजेंट करता है, तो कोई सवाल है। चलो कहता है एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, अरे तेरा तो इतना आसान आसान सवाल पूछेगा, तो देखो ये इक्वल मैट्राइसेज है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है, वन और टू तो बराबर दिया ही है, तो एक्स प्लस वाई बराबर थ्री और एक्स माइनस वाई बराबर सेवन, ये सात है जी, ठीक है, 2x बराबर 10, x बराबर 10 बाई 2, 5 y का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, सब में वैसे ही करना है, x, y ये दोनों से x और y का वैल्यू निकलेगा, ये दोनों से x और y1 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x निकाल लीजिए, यहाँ पे x पुट कर दीजिए, x1 का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ x पुट कर दीजिए, y1 का वैल्यू मिल जाएगा, इतना तो आसान है। 12, ये भी वैसा ही है, x माइनस वाई और 2x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस वन, 2x माइनस वाई जीरो, घटा दीजिए, माइनस x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x बराबर वन वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई बराबर माइनस वन, 2x माइनस वाई बराबर जीरो, 2x प्लस जेड बराबर पाँच और 3z प्लस ओमेगा बराबर 13, डब्लू मत पढ़ लेना इसको, ओमेगा है। चलो ये भी वैसा ही है, कोई इसमें कोई माथा पच्ची नहीं करना, कोई झंझट नहीं है, ये भी वैसा ही है, बहुत बहुत आसान है ये, देखो ये तो और आसान है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और एक्स प्लस जेड 5, वाई प्लस जेड कितना है 7, वाई प्लस जेड यहाँ पुट करो 7 बराबर 9, एक्स क्या आ गया 2 आ गया, एक्स प्लस जेड 5 है, निकालो सब, एक्स का वैल्यू पुट कर लो, जेड आ जाएगा, फिर वाई का जेड पुट करके निकाल लो। है ये सब सवाल चौथा पांचवा का सवाल है, ये आसान है जी। ए प्लस बी करना है या माइनस बी करना है, देखो ए और बी को ऐड करना है, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और -2 1 2 और 5 7, फिर क्या कहता है ए माइनस बी करना है, ये बेगारी हो बाबू, ए माइनस बी, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से -2 जाएगा, 3 -2 -2, 5 और 2 -5 -3, 3a-3। तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3a कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 12, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6, और माइनस सी, सी व्हाट इज सी, सी तुम्हारा ये है 2 5 3 4, 4 न है जी। अब देखो 6 - -2, 6 + 2 = 8, 12 - 5 = 7, 9 - 3 = 6, 6 - 4 खत्म आंसर। चलिए एक ऐसा में कोई जान नहीं है, बेगारी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है, 2a सवाल है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, वो दोनों को जोड़ दीजिए, हाँ ये थोड़ा सा, अब ये कुछ कुछ नहीं है यार, ये a प्लस बी, ये दोनों को ऐड करना है, तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस b प्लस बी 0, a प्लस ए 2a, ठीक है, 2 को कॉमन ले लीजिए, a b 0 a, बस हो गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और 1, बहुत आसान है, कोई जान नहीं है। देखो ऐसे नहीं कि मैं आगे लेके भाग रहा हूँ, आप खुद समझ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे तो देख ही नहीं रहे होंगे, बहुत कम व्यू आएगा मुझे लगता है इस पे, क्योंकि इसमें कोई जान ही नहीं है, ठीक है, ये भी वैसा ही है, 9th भी वैसा ही है, 3a 3 से गुना कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा 3 - 6 = 3, 4 × 12, 5 × 15, 3 = 15, 0 = 6, क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग, ए बी प्लस सी में बी प्लस सी को जोड़ दीजिए, फिर ए से जोड़ दीजिए, ए प्लस बी को छोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए ए से, इस तरह से जो कह रहा है वो कर लीजिए, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, ये क्या है जी, इवैल्यूएट, तो कैसे जोड़ेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 0, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, 1 + 0 - 1, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² θ, और माइनस है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 - cot² θ 0 1, तो क्या हो गया 0 + 1 + 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या हो गया 0, ये कट के -1, और ये क्या हो गया 1, बहुत आसान है। चलिए ये भी आसान है, 2 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x 10, 7 × 2 = 14, 2y - 6, और प्लस 3 4 1 2 इज इक्वल टू 7 14 15 14,
ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, ये दोनों को ऐड कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2x प्लस 3 और 10 प्लस 4 14, 14 और 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2, 2y माइनस क्या हो जाएगा 4, माइनस 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4, 7, 14, 15, 14, ठीक है। दो इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3 बराबर 7 और 2y माइनस 4 बराबर 14, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 यहाँ पे 14 4 18 तो y बराबर 9। देखो ये सब तो होना चाहिए यार, ठीक है, इसमें भी उसी तरह से करना है, ये भी वैसा। हाँ देखो यहाँ पे कहता है कि ए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स, बी डायगोनल मैट्रिक्स और सी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो 4a माइनस 3b, तो पहले तो 4a निकाल दो, तो 4a क्या हो जाएगा डायगोनल। देखो ये 1 3 2 खाली डायगोनल एलिमेंट है, बाकी जीरो होता है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा ना तो पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, डायगोनल 1 3 2 है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 चौका 12 और 4 2 8 3b। 3b कहने का क्या मतलब है भैया, डायगोनल ये b को 3 से, तो 0 2 3 6 और 5 3 15। अब 4a माइनस 3b को घटा दीजिए, ठीक है, तो ये क्या आएगा डायगोनल, डायगोनल 4 6 -7 हो गया। वैसे ही a प्लस बी माइनस 2c, a और b को ऐड कर दीजिए और उसमें से 2c को घटा दीजिए, कोई जान नहीं है सब क्वेश्चन में। फाइंड अ मैट्रिक्स, हाँ देखो ये वाला थोड़ा सा मैं भी परेशान करेगा। देखो हम जानते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अगर मान लो a प्लस एक्स बराबर बी हो और हमको x चाहिए, तो b माइनस a कर सकते हैं, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम ये चीज कर सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 4 0 -7 6, ये उस तरफ भेज दीजिए तो 2 5 3 2, ठीक है। x बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, 0 में से 5 जाएगा -5, -7 -3 -10, 6 -2 4, ठीक है। देखो हो सकता है कि बहुत तेजी में अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो गलत हो जाए, वो आप माइंड मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 26 27, यहाँ पे देखिए, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस b प्लस x बराबर 0, तो x क्या होगा माइनस 2a माइनस b, या x को और क्या कह सकते हैं माइनस 2a प्लस बी, ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b में ऐड करके उसका निगेटिव निकाल दीजिए, सभी के साइन को चेंज कर दीजिए, बस इतना ही तो है, ठीक है। 28, ये भी वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा है, नहीं ये थोड़ा सा अलग है, x प्लस वाई और x माइनस वाई है। चलिए फाइंड अ मैट्रिक्स x एंड y, x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 और x माइनस वाई कितना है 3 6 0 -6, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब ऐड कीजिएगा यू विल गेट x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई और बराबर 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1, ठीक है। y से y गया 2x बराबर 5 3 8 6 2 8 0 0 0 9 -1 8, तो x बराबर 1/2 8 8 0 8,
दो से सभी को डिवाइड कर दीजिए, या आप ऐसा कह सकते हैं 1/2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 4 0 4, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। चलिए यहां पे कॉस से सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा साइन इंटू माइनस कॉस, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस कॉस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब बाबू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसल, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, वो भी 0, ये भी 0 और ये 1, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 31 में क्या है जी, इफ 2x प्लस 3y इतना 3x प्लस 2y, देखो लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y है माइनस 2 2 1 माइनस 5, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x प्लस 9y, चाहे इसको 2 से कर देते हैं बाबू, इसको 2 से कर देते हैं, तो 2 2 4x प्लस 6y, 2 से इधर किए तो 2 से इधर कीजिए 4 6 8 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको क्या किससे किए 2 से, इसको हम किससे करेंगे 3 से, तो 9x प्लस 4y, 3 से किए नहीं जी 6y ना, 4 कहां से आएगा यार, 6y, फिर 3 से किए माइनस 6 6 3 माइनस 15, ठीक है। अब ये दोनों को घटा दीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 9x माइनस 6y, इसको भी घटाएंगे 4 6, थोड़ा नीचे ले आते हैं 4 6 8 0 माइनस माइनस 6 6 3 माइनस 15, ये गया काम से, माइनस 5x बराबर 6 4 10, ठीक है, 6 और 4 10, 6 माइनस 6 0, 8 में से 3 5, 0 माइनस 15 प्लस 15, ठीक है। x क्या हो जाएगा, सभी को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/5 10 0 5 15, मतलब x जो होगा स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, 10/5 माइनस है ना, यहाँ माइनस है, माइनस 2, 0
माइनस एक और माइनस तीन, ये क्या हो गया आंसर हो गया 31 का। 32, ए प्लस सी को बी के बराबर प्रूफ करना है, ए को और बी को जोड़ दीजिए, फाइंड अ मैट्रिक्स की सर बहुत आसान है जी। कहता है हमको सी का पता लगाना है, तो ए प्लस सी बराबर बी है ना, तो सी बराबर बी माइनस ए कर दीजिए, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। 33, ये भी वही है, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b x प्लस सी, तो 3b क्या हो गया, 3b सॉरी x चाहिए ना, तो x को इधर ही रखिए, c को इधर ले आइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2a प्लस 3b माइनस सी हो गया, 2a प्लस 3b माइनस सी हो गया। अब आपको करना है कैलकुलेशन, ए को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को जोड़िए और उसमें से सी को माइनस कीजिए। 34, 2a माइनस 3b, क्या मजाक है यार, इतना आसान आसान सवाल दिया है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ भी वही आपको करना है, a माइनस 2b माइनस 3c फाइंड करना है, ठीक है, a माइनस 2b माइनस 3c फाइंड करना है, कहता है और वेरीफाई भी करना है आपका जो एसोसिएटिव लॉ है। हाँ देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी कुछ नहीं है। कहता है फातिमा हैज टू फैक्ट्रीज एट प्लेसेस पी एंड क्यू, फातिमा के पास दो प्लेस है, ठीक है, एक पी है, मान लेते हैं कि एक बिहार में है और एक उत्तर प्रदेश में है, पी मतलब पटना, क्यू से कुछ है जी कोयम्बटूर, ठीक है ना, कोयम्बटूर का, लेकिन क्यू से नहीं सी से होता है, एक पटना में और एक मान लेते हैं कोयम्बटूर, क्यू से होता है, कोयम्बटूर में है, ठीक है। पटना में बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या बनता है, जूता बनता है, और यहां भी बॉयज और गर्ल्स के लिए जूता बनता है, ठीक है। कहता टोटल प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स शूज फॉर द बॉय एंड गर्ल्स इन इच प्राइस कैटेगरी, कहता है कि बॉय के लिए तीन, बॉय और गर्ल के लिए तीन तरह के प्राइस कैटेगरी हैं, 1, 2, 3, गर्ल्स के लिए भी क्या है, 3 कैटेगरी है। कहता है टोटल प्रोडक्शन क्या होगा इच प्राइस कैटेगरी में, तो सबको जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि पहला में आपको क्या करना है, पहला में ध्यान से समझिएगा, पहला में आपको फर्स्ट जो है बाबू ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको पहला a प्लस बी करना है, डिफरेंस साफ साफ कह रहा है a माइनस बी निकालना है। कहता है कि अगर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री p फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स इन इच प्राइस कैटेगरी कैटेगरी ए प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एट पी रिड्यूसेस टू 20%, अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन 20% रिड्यूस हो जाता है, कितना 20% अगर रिड्यूस हो जाता है, कौन से फैक्ट्री का, जो पी पे है वहां पे, ठीक है, तो कितना होगा, तो 20% रिड्यूस हो जाता है 20%, तो 20% ऑफ ए निकाल लीजिए, 20% कितना होगा 1/5, मतलब 20/100, 1/5 इंटू ए मतलब 95, 19, 60 में 5 से करेंगे तो 12, 15, 13 कितना 18 और 17 ये आ गया, ठीक है। कहता डबल कर दिया जाता है तो इसका दुगना कर दीजिए, डबल कर दिया जाता है मतलब 2a कर दीजिए, समझ आया, बस यही तो है, हो गया पूरा। एक और है शायद इसमें,
हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, करिए देते हैं ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस ए, और 2a + b बराबर क्या होगा, जीरो, बी से बी गया, 3a = -a = -1/3, बी का वैल्यू पुट करके निकाल लो सी और डी का, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो बस टाइम समझिए कि फालतू ही जा रहा है, ठीक है, आप भी ट्राई कीजिए कि खुद से सॉल्व करने, क्योंकि इन सवालों में कोई जान नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल 5.2 के साथ, हम कल ट्रांसपोज पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक पढ़ेंगे, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्राइसेज, दो मैट्राइसेज को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। और सबसे पहला चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, कॉमेंट्स नहीं करते हैं आप, वीडियो देखते हैं, मैं लाइक भी देखता हूँ, व्यूज़ भी जाता है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो डाउट अगर होता है तो कमेंट कीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।